नशे का व्यापार बहुत फल फूल रहा है। महिलाएं भी शराब बेचने का काम कर रही हैं। आज जब मर्यादो थाना की पुलिस कच्ची शराब पकड़ने गई तो कलकुला के बंजारा टोला में रहने वाली महिलाएं और पुलिस के मध्य विवाद हो गया। विवाद की वजह कच्ची शराब बताई जा रही है, जिसमें पुलिस के एक एएसआई जगदीश तिवारी और एक आरक्षक दीपेंद्र कुर्मी के घायल होने की खबर है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस जो है कच्ची शराब की सूचना पर ग्राम कलकुला गई थी, वहाँ पर लाइसेंस वगैरह पूछा नहीं हुआ, पुलिस ने अपने सब कब्जे में वो शराब ली। तो इसी दौरान वहाँ पे गाँव कलकुआ का मैयम बंजारा और राम बंजारा वगैरह ये लोग आ गए और उन्होंने जो है पुलिस के साथ अभद्रता शुरू कर दी। पुलिस के साथ अभद्रता के दौरान जो पुलिस के कब्जे में ली गई जो शराब थी, वो जो आदमी लिए था संदेही, वो भी लेके अलग हो गया वहाँ से और फिर पुलिस के साथ उन्होंने हाथापाई भी शुरू करी। तो फिर वापस आई पुलिस और हमने उनके खिलाफ 353 और अलग विभिन्न धाराओं में मामला कायम किया। पुलिस पर भी बंजारा समुदाय के लोगों